मामा की किचन में खुश आमदीद। आज मामा की किचन में बन रहे हैं वेजिटेबल ऑमलेट। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर ले और आल पे क्लिक कर ले ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। वेजिटेबल ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उनको बीट कर लिया है। 2 अंडे लेकर उसको बीट कर लिया है मैंने। अंडे को बीट करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जो है नमक और वेजिटेबल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, ये है 1 शिमला मिर्च, लेकर मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 टमाटर मैंने लिया है, इसको भी छोटे पीसेस में काट लिया है। और 1 प्याज लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने पतला पतला सा काट लिया है। ठीक है, ये बॉल ये हरी मिर्चें अब ऐड करेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें बंद गोभी और सारी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अंडे में मैंने वेजिटेबल डालती है और वेजिटेबल को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। पैन जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है उसमें ऑयल डाला है। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल्स भी ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करें। अब इसको लो हीट पर जो है पकने देंगे। 2 से 3 मिनट में ये ऑमलेट आपका रेडी हो जाता है। इस ऑमलेट को आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं और स्लाइस के साथ भी। इस तरह इसके 4 पीसेस कर लेंगे, पैन में ही इसके 4 पीसेस कर लेंगे और इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे। एक साइड से ये पक चुका है, अब दूसरी साइड भी इसकी पकाएंगे। इस तरह इसकी साइड जो है चेंज करते जाएंगे सारे पीसेस की। अगर आप पीसेस नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं इस तरह पीसेस करके इसकी साइड जो है चेंज कर लूँगी। और एक बात कि ये इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल डाली है तो थोड़ा सा टूटे तो कोई मसला नहीं है। इसकी जो है ऑमलेट की साइड चेंज कर ली है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए और फिर बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट जो है हमारा हो जाएगा तैयार। इस ऑमलेट को आप स्लाइस के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो इसको सिंपली इसी तरह खाएं, आप पराठा यूज़ नहीं करें। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है ये ऑमलेट और डाइट में आपको वीकनेस भी नहीं होगी, आप इस ऑमलेट को यूज़ करें। ऑमलेट हमारा हो गया रेडी, अब इसको डिश में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बनाकर अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर। मुझे रखिए दुआ में याद, मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।